दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोफा कम बेड के बारे में, जो कि एल शेप है, जिसके साथ स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है, यानी कि सोफा कम बेड विथ स्टोरेज स्पेस एंड एल शेप। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले ये किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वाइड स्पेस मिलेगी। देखिए इसमें अगर आप कोई भी चीज़ें इसके अंदर रखना चाहते हो तो इस स्टोरेज स्पेस का पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें, यानी कि कुशंस वगैरह एक्स्ट्रा है तो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। तो इनफ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लोज़ करोगे तो इस तरीके से ये आराम से क्लोज़ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि इसका फिनिशिंग देखें तो ऑलमोस्ट जो प्लाई सोफ़ा आता है वैसा ही फिनिशिंग है। वैसे ये भी प्लाई बेस ही सोफ़ा बना हुआ है। अब देखते हैं इसको बेड की तरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं सोफे की तरह इस तरीके से आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, एज अ सोफ़ा यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं स्पेस वगैरह इनफ दिया हुआ है। बैक साइड में अगर देखें तो इस तरीके के कुशंस दिए हुए हैं। ये फाइबर कुशंस है, यहाँ पे आप फोम के कुशंस भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी नीड के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अब सोफे को किस तरीके से बेड बनाते हैं वो देखते हैं। नॉर्मली आपको इस तरीके से इसको खींचना है बाहर, इसको ऊपर की तरह खींचना है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका बेड। ऑलमोस्ट देखिए दो लोग आराम से इसके ऊपर सो सकते हैं, तो इस तरीके की स्पेस मिल जाएगी, तो ये पूरा बेड बन जाता है। ऑलमोस्ट देखें तो अगर कंफर्ट वाइज देखें इसके अंदर जो फोम यूज़ करते हैं वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर फोम यूज़ कर सकते हो। आपका कंफर्ट लेवल किस तरीके का है उसके हिसाब से। आमतौर पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर आप एचआर फोम वगैरह यूज़ करें, ताकि जो बाउंस बैक है वो भी आपको इसके अंदर मिलता रहे और कम्फर्ट भी साथों साथ कम्फर्ट भी इसके अंदर आपको मिले। तो जब भी आप इसको सोने के लिए यूज़ करते हैं तब भी बैक पेन वगैरह रिलेटेड इश्यूज़ ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट वाला अगर आप सोफा कम बेड बनवाते हो तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि बैक पेन वगैरह हो जाए, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट अगर सोफ़ा है उसके ऊपर आप बैठते भी हो तो भी जो स्पाइन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसके अंदर हो सकता है बैक पेन रिलेटेड इश्यू जनरेट हो। तो मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ इसके अंदर आप 40 डेंसिटी एचआर फोम यूज़ करें, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फोम आप बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सोने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो ज़्यादा बेटर रहेगा 40 डेंसिटी एचआर फोम, कोई भी गुड अच्छी ब्रांड का आप एचआर फोम इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर थिकनेस की बात करें तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 6 इंच का थिकनेस बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 4 इंच का एचआर फोम यूज़ किया है और 1 इंच का सॉफ्ट फोम यूज़ किया है। तो आप भी अपने हिसाब से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हो सोफे कम बेड के लिए। आम तौर पे ये सोफा कम बेड का जो आइडिया है वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे स्पेस कम है। अगर घर के अंदर स्पेस कम है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज अ सोफ़ा दिन में यूज़ कर सकते हैं और रात में इसको बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे अभी देखें तो सिटी में देखें तो 2 BHK या 1 BHK के जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जगह कम होती है। तो कम जगह के लिए एल शेप का ये सोफ़ा कम बेड बेटर रहेगा और इसको वापस क्लोज करना भी बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आप क्लोज़ करके रख सकते हो, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है। और दोस्तों सोफ़ा कम बेड के बैक साइड के अंदर हेडरेस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एडिशनल कंफर्ट देगा आपके हेड को। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सोफ़ा कम बेड का। इसके अंदर जो फैब्रिक लगाया हुआ है वो है वेलवेट बेस्ड फैब्रिक लगाया हुआ है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसका फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है वेलवेट बेस्ड लेदर चल रहा है, PU लेदर चल रहा है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर इस तरीके का फैब्रिक भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर टेंटेटिव इसके कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इसका जो कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्टिंग रहता है। इसके अंदर जो भी आप फोम फैब्रिक वगैरह सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से इसका जो रेट है वो अप और डाउन होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो ओनर है ये बना रहे उसके नंबर वगैरह दे दिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको मंगवाना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो।